नमस्कार, ए टू जेड डिशेस उषा कोरजानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बीट की पूरी। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है और झटपट से बन जाती है और साथ ही साथ काफ़ी हेल्दी भी है, क्योंकि बीट जो है हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये दो बीट ले लिए हैं। अब इसको हम छीलेंगे, तो इसके जो ऊपर का छिलका है वो हमें निकाल लेना है। तो देखिए, एकदम नेचुरल कलर से ये हमारी पूरी बनेगी, बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में। इसे आप सब्ज़ी के साथ खाएं, दही के साथ या चटनियों के साथ, काफ़ी बढ़िया लगती है। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये दोनों बीट छील लिए हैं। अब इसके हम इस तरह से टुकड़े कर लेंगे। तो टुकड़े हम देखिए इस तरह से मीडियम साइज़ के मैंने टुकड़े कर लिए हैं इसके, और हमारे लिए बीट काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और बच्चे वैसे तो इस तरह से बीट खाएंगे नहीं, तो इस तरह से आप उन्हें खिला सकते हैं पूरी में डालकर। तो देख सकते हैं मैंने ये दोनों बीट को काट लिया। अब इसे हम 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। उसके बाद गैस के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ पानी, और इसके अंदर ये बीट के जो हमने टुकड़े किए थे ये डाल देंगे और इसे ढककर हम पकाएंगे। तो करीब 5 से 6 मिनट तक आपको इसे पकाना है। तो देखिए, 5 से 6 मिनट के बाद हम बीट को चेक कर लेंगे। देखिए, अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, मैंने नाइफ़ डालकर देख लिया है। तो अब ये जो बीट है उसे हम निकालेंगे। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो पानी है ना, वो हमें फेंकना नहीं है, ये आपको रखना ही है। तो ये बीट मैंने निकाल लिया और ये पानी भी हम एक बाउल में निकाल कर रख देंगे। अब ये जो बीट है ये ठंडा हो चुका है बाहर रख कर ही, तो इसे मिक्सर में डालकर मैंने अच्छे से पीस लिया है। ध्यान रखें, कोई भी टुकड़ा रहना नहीं चाहिए, अच्छे से आपको सब पीस लेना है। अब एक बड़े से बर्तन में हम डालेंगे 2 कप गेहूं का आटा। तो यहाँ पर मैंने ये 2 कप गेहूं का आटा डाल दिया है। 1 चम्मच जितना इसके अंदर नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच जितनी अजवाइन को इस तरह से मसल कर डाल रही हूँ, और ये जो हमने पीस के रखा था ना बीट को, ये डाल देंगे। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच जितना तेल, और अच्छे से सबसे पहले हम मिलाएंगे। इसके अंदर हमें पानी भी डालना है, पर जितना हो सके ये जो हमने बीट डाला है पीसा हुआ, उससे आपको अच्छे से पहले मिला लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब जो हमने वो पानी बचा के रखा था ना, वो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और आटा गूंदेंगे। तो यहाँ पर जो आटा है वो एकदम ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नरम भी नहीं, मीडियम आटा गूंदकर आपको तैयार करना है। तो यहाँ पर जो पानी है वो वेस्ट भी नहीं होगा, अच्छा और निखर कर कलर आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि वो पानी आप बिल्कुल भी ना फेंकें, वही इस्तेमाल करें, और स्वाद भी बहुत ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी डाला, और इस तरह से हमारा ये आटा तैयार हो चुका है। ना ही ज़्यादा सख्त ना ही ज़्यादा नरम, मीडियम आटा है। अब इसमें से हम लोई लेंगे, इस तरह से चकले पर रखकर बेलन की मदद से इसे हम बेलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी की साइज़ आप बड़ी छोटी कर सकते हैं, पर ये हल्की सी मोटी होनी चाहिए, ज़्यादा पतली ना करें। तेल मैंने अच्छा गर्म कर लिया है। इस तरह से पूरी को डालेंगे और थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाएंगे, और देखिए कितनी बढ़िया हमारी जो पूरी है वो फूल रही है, एकदम बढ़िया। देखिए एकदम मज़ेदार, बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये पसंद आएगी, इतनी स्वादिष्ट लगती है ना पूरी खाने में। तो इसी तरह से हम सारी पूरियाँ तैयार करेंगे। तो जिस हिसाब से आपको पूरी छोटी बनानी है बड़ी बनानी है, उस हिसाब से आप लोई ले लें और इसे बेलें, ज़्यादा पतला नहीं, थोड़ा सा मोटा रखें, और तेल में डालकर करछी की मदद से ऊपर तेल डालते जाए और थोड़ा सा इस तरह से गोल घुमाते जाए। देखिए कितनी बढ़िया हमारी हर पूरी फूल रही है। तो लीजिए, तैयार है हमारी मज़ेदार वाली ये बीट की पूरी, जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद तो है ही है, पर खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है, एकदम मज़ेदार। इसे आप दही के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ, सब्जी के साथ, सभी के साथ बढ़िया लगती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।